दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटो एडिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना फ़ोटो को एक खूबसूरत फ़ोटो बना सकते हो। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, उसमें इस तरीके से जो भी फ़ोटो आपको एडिट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस फ़ोटो में जो दिक्कत देखनी है वो हम लोग को करनी, पहले इसका जो है इसका फ्रेम लंबा था उसको मैंने कट कर लिया है क्रॉप से। आप दोस्तों इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर जाएँगे और इस बंदे के जो बाल मेरे को दिख रहे हैं छोटे से बैठे हुए हैं, इसको मैं बाल पर एडिटिंग करूँगा सबसे पहले इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर बालों पे एडिटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप भी मतलब अपने एडिट करोगे जब फ़ोटो को, तो आप भी अपने बालों को खड़ा कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो। तो इतना करने के बाद सही पे निशान कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसको जो है हम लोग को यहाँ पर एक लाइन डालिए बालों में, जैसे कि आप देखते हो बालों में लड़के आजकल जो लाइन पड़वाते हैं ना बालों में, वो लाइन डाल देंगे एडिट करके इस तरीके से। इतना सेट करने के बाद दोस्तों वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। उसके बाद इस ऑप्शन पे जाके जो हम लोग का माथा है उस वाला कलर ले लेना माथे का, प्लस छोड़ देंगे इस तरीके, तो कलर हो जाएगा सिलेक्ट हमारा नीचे देख सकते हो आप। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो दूर से ऐसा लगेगा जैसे कि माथे पर लाइन वो जो है एडिट करी हुई नहीं, ओरिजिनल है। उसके बाद इस तरीके से हम लोग जो है सेट कर लेंगे, बिल्कुल लाइन बना देंगे और इस साइड में जो माथे पे बाल आ रहा है उसको भी सही तरीके से इरेज कर देंगे इस टाइप करके। इस तरह से जो है हम लोग का जो है फ़ोटो बहुत अच्छा शानदार बन जाएगा। अब हम लोग को दोस्तों क्या करना, पूरे फेस पर जो है पहले तो ये ऊपर बाल हम लोग को ऊपर साइड में जो है बढ़िया करके सेट कर देने हैं। उसके बाद जो हम लोग के कलम है जो साइट है इसको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से सेट करना है। इसको सेट करने के बाद गाइस दूर ले जाके अब हम लोग को डन कर देना है, सही का निशान जो है इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे जाना है। अब इससे हम लोग का अपना चेहरा जो है क्लीन करना है, देख सकते हो गाइस इससे हमारा चेहरा जो क्लीन हो रहा है और ये ओरिजिनल फ़ोटो लगने लगेगा और एक खूबसूरत फ़ोटो भी एडिट हो जाएगा अच्छी तरीके से कर देंगे। आग कर पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को नीचे इसके हाथ को भी क्लीन कर देंगे ताकि फ़ोटो और शानदार लगेगा। दोनों हाथों को क्लीन कर देंगे तो और फ़ोटो अच्छा लगेगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फ़ोटो को सेव कर लेंगे। उसके बाद गैलरी में जाएंगे और गैलरी से उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और उसको शेयर कर देंगे। शेयर करेंगे उस पर लाइट रूम एप्लीकेशन, उस पर शेयर कर देंगे। उसके बाद सीधा अपनी लाइट रूम की जो एप्लीकेशन उसको ओपन करेंगे जाके। ये रही दोस्तों, अब इसमें जो फ़ोटो हम लोगों ने शेयर किया वो यहाँ पर आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके जो कलर पे जाएंगे, उसके बाद मिक्स कलर पे जाएंगे। उसके बाद जो है इसके मिक्स कलर जो है इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करने हैं। तो अभी हम लोग रेड वाला कलर जो है एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ज़रा नारंगी वाला जो कलर उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हो गाइस इस तरीके से जो है एडजस्ट हो जाएगा। इससे हमारा चेहरे का रंग जो है थोड़ा खुल रहा है तो इस तरीके इसको फैला लेंगे। अब हम लोग जो है पीले का येलो कलर को नहीं पीले कलर को सेट कर रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ग्रीन कलर हरा कलर है जो उसको सेट कर रहे हैं इस तरीके से। इसका कलर जो है डार्क कर रहा है हम लोग। अब इसका रंग भी हल्का सा इस साइड में खोल देंगे। अब हम लोग आसमानी कलर जो है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर जो है हार्ट हो पाएगा, इसलिए हम लोग लाइट रूम की एप्लीकेशन में आए हैं। तो यहाँ पर कोई चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पीछे बैकग्राउंड जो हरा भरा हो जाएगा। लाइट रूम एप्लीकेशन बहुत मस्त है गाइस, अगर आप लोग भी इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से बिल्कुल सेट कर देंगे, उसके बाद सीधा जो है डन कर देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ाएँगे इसकी जो कलर की क्वालिटी उसको हार्ट कर देंगे, थोड़ा कलर बढ़ा देंगे यहाँ पर से। बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको आगे पीछे करके सेट करेंगे तो थोड़ा सा ये रखेंगे, माइनस में रखेंगे इसको थोड़ा और अच्छा लगे, 7 माइनस रखेंगे। इसको भी थोड़ा सा माइनस रखेंगे, 2 माइनस, और इसको जो है हम लोग थोड़ा सा माइनस रखेंगे। इसको भी हम लोग इसको माइनस रखेंगे, कितना 0 रखेंगे, इसको 0 रहने देंगे, इसको 0 रहने देंगे गाइस। ये 2 हो गया माइनस, इसको जो है 0 कर देंगे। अब नीचे वाले इसको जो है साइटों से ब्लैक आ रहा है इसको, हाँ ब्लैक करेंगे थोड़ा सा, और इसको भी थोड़ा सा ब्लैक मारेंगे, और इसको भी थोड़ा सा ब्लैक, और इसको भी थोड़ा सा ब्लैक,
तो इससे क्या होगा, फ़ोटो जो है DSLR कितना थोड़ा सा हम लोग का फ़ोटो लगेगा। तो फ़ोटो यहाँ पे हम लोग का एडिट हो चुका है, मैं इसको सेव कर दूंगा फ़ोटो को गैलरी में। अब मैं आपको दोनों फ़ोटो दिखाता हूँ, जो एक एडिट था एक बिना एडिट का। यह है हमारा बिना एडिट करा हुआ फ़ोटो और यह है एडिट करा हुआ फ़ोटो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।